और आप देख सकते हैं इस समय गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा मार्ग में है और आप देखिए आस्था का कैसा सैलाब इस ब्रज मंडल में उमड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारे श्री गिरिराज जी की यहाँ पर गोवर्धन पूजा है और गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। मारा मारी हो रही है इस पूजा में, आप देख सकते हैं आपस में दूध चढ़ा रहे हैं लोग। और परिक्रमा मार्ग में जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की वहाँ से लेके यहाँ तक लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आज गोवर्धन में किस तरह से ये गोवर्धन पूजा की जो भीड़ है और इस समय जो हम दर्शन कर रहे हैं और आपको करा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये पूंछरी का लोटा जो कि रास्ते में पड़ता है, आप उसके दर्शन कीजिए आज। और यहाँ चल रहा है मानसी गंगा का स्नान, ये देखिए आप, देखिए जय। बोल गिरिराज महाराज की जय। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। और ब्रज दर्पण परिवार जा पहुंचा है श्री धाम गोवर्धन के। आप देख सकते हैं दान घाटी पर इस समय किस तरह की भीड़ है और यहां पर आज का मुख्य दिन आज गोवर्धन के लिए और ब्रजवासियों के लिए ये है कि आज ब्रज में गोवर्धन पूजा है। ब्रज में नहीं अपितु भारत में भी गोवर्धन पूजा है, पूरे विश्व में गोवर्धन पूजा है। हम इस समय दान घाटी पर खड़े हुए हैं और पूरे गोवर्धन को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम गिरिराज जी कृपा से यहाँ पर खड़े हैं और आपको दर्शन करा रहे हैं इस दिव्य गोवर्धन के दान घाटी से। आइए मैं आगे का आपको दृश्य दिखाऊं। ये देख सकते हैं आप भक्तों में किस तरह का यहाँ आनंद है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय दान घाटी पर किस तरह का यहाँ पर भक्तों का हुजूम है, क्योंकि आज ब्रज के राजा साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री गिरिराज जी का आज गोवर्धन पूजा है। और इस गोवर्धन पूजा को डिले किया गया एक दिन के लिए, जैसे कि आप जानते हैं सूर्य ग्रहण लगा कल, तो ग्रहण की वजह से आज गिरिराज गोवर्धन पूजा यहाँ पर मनाई जा रही है पूरे ब्रज में और भारत में और पूरे विश्व में। और इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं, इस समय एंट्री गेट पे आइए और ये देखिए आप, हमारे ब्रज के प्राण हमारे ठाकुर जी किस तरह से इस गिरिराज पर्वत को धारण करके चित्रपट में खड़े हुए हैं। और श्री धाम गोवर्धन से हम आपको गोवर्धन के आज पूजा के उपलक्ष्य में हम आपको जो दर्शन करा रहे हैं, आप देख सकते हैं निकास द्वार सामने मंदिर का और भीड़ काफ़ी है और आपको लेके चलते हैं और अंदर के भी दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे गिरिराज जी के लिए यहाँ पर भोग प्रसादी है, दूध है, फूल है, पत्ती है और ये सारा ब्रजवासियों और अब ब्रजवासियों के प्राण गोवर्धन पूजा के लिए यहाँ पर बना हुआ है। आइए आपको मैं दर्शन कराता हूँ इस गोवर्धन, आइए मेरे साथ में। बोल गिरिराज महाराज की जय। और हम आपको एक झलक दर्शन कराना चाहते हैं श्री गिरिराज जी के, काफ़ी भीड़ है। जय हो। देख सकते हैं आप किस तरह की भीड़ है यहाँ पे और अधिक भीड़ होने के कारण ये सारी व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। इस समय गिरिराज जी की जो मंदिर में भीड़ है वो जय हो। और एक झलक हम आपको दर्शन कराना चाहते हैं और ये देखिए आप, हमारे गिरिराज जी हमारे सामने हैं और भीड़ इतनी है कि इस समय इसमें निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। बोल गिरिराज महाराज। और जिस तरह से भक्तों में जो उत्साह है अपने इस साक्षात कृष्ण स्वरूप गिरिराज जी के लिए, वो अपने आप में अद्भुत है। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए आप किस तरह से भीड़ है उस प्रवेश द्वार पे भी। और गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, मारा मारी हो रही है इस पूजा में, आप देख सकते हैं आपस में ही दूध चढ़ा रहे हैं लोग। और ये सारे दर्शन करने के बाद में हम आपको बता दें कि इन दर्शनों के साथ हम आपको गिरिराज जी की परिक्रमा के भी दर्शन कराएंगे। और आइए चलते हैं और आपको हम गिरिराज की परिक्रमा में लेके चलते हैं। और आप देख सकते हैं इस समय गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा मार्ग में है और आप देखिए आस्था का कैसा सैलाब इस ब्रज मंडल में उमड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारे श्री गिरिराज जी की यहाँ पर गोवर्धन पूजा है। द्वापर काल में आज से 5000 साल पहले कैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज पर्वत को उठाया, यानी कि खुद एक रूप में पूजे हैं और एक ही रूप में उसी को पूज रहे हैं, ये परंपरा हमारे ब्रज की है। और इतनी भीड़ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर परिक्रमा स्टार्ट हो रही है बड़ी और हम आपको भी कराना चाहते हैं। और परिक्रमा मार्ग में जो स्थान पड़ने वाले हैं आप देख सकते हैं बोर्ड पर आने और है, और आने और के बाद जतिपुरा, जतिपुरा पूछरी का लौटा है। आइए और इस भाव के ये देखिए आप, और
जो जन सैलाब है आप देख सकते हैं किस तरह का हुजूम लगा हुआ पूरे आज गोवर्धन में। आज गोवर्धन पूजा में हम आपको श्री गिरिराज जी की परिक्रमा भी कराएंगे, इसके साथ में पूजा भी हम आपको, हम स्वयं पूजा करेंगे गिरिराज जी की, वो भी हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं और परिक्रमा मार्ग में मेरे साथ आप सभी मानसिक रूप से इस परिक्रमा को करेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और जैसा कि आप देख सकते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में अनेकों अनेक रूप देखने को मिलते हैं। ये कला भी है, छोटी सी बच्ची आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर, ये सब आनंद आज हम लेने वाले हैं इस परिक्रमा मार्ग में। आइए मेरे, बोलो गिरिराज महाराज की जय। आप सभी गिरिराज जी का भाव रख के ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप ये अद्भुत जो आनंद है आज हमारे ब्रज का वो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, सबसे पहला पड़ाव हमारा आने और गांव पड़ेगा, आने और गांव की तरफ चलते हैं। जय हो गिरिराज महाराज की। और ये आनंद है बड़ी परिक्रमा। और मेरे बगल में आप गिरिराज जी का पर्वत देख सकते हैं सारे सारे, और ये कच्ची परिक्रमा भी चल रही है, बड़ी परिक्रमा भी चल रही है और हम आनंद ले रहे हैं इस समय इस गोवर्धन धाम में। गिरिराज पर्वत के आप दर्शन कर रहे होंगे, ये देखिए आप, ये हमारे गिरिराज जी हैं और ये पर्वत स्वरूप श्री हमारे गिरिराज जी के आज पूरा हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। और किस तरह से आप भी देख रहे हैं, भीड़ का अंदाज़ा लगाइए आप, धूप निकल चुकी है लेकिन इसके बावजूद कितनी भीड़ है जो कि यहाँ पर परिक्रमा कर रही है। आइए आगे चलते हैं, स्वरूप आप देख सकते हैं, ये देखिए ये अपना आनंद है इनका, और ये समस्त आनंद आज गोवर्धन में इस समय आप दर्शन कर रहे हैं। और आने और आने वाला है, आने और के बाद पूंछरी, पूंछरी के बाद आपका पड़ेगा जतिपुरा, और जतिपुरा से हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी, फिर हम आपको राजा कुंड लेके चलेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धन की परिक्रमा में आप देख सकते हैं हमारा पहला पड़ाव आने और गांव आ चुका है और हम इस समय आने और गांव के दर्शन कर रहे हैं, उन ब्रजवासियों के दर्शन कर रहे हैं। और साथ में मेरे दोनों तरफ में आप देख सकते हैं किस तरह से ये राज्य की परिक्रमा लगा रहे हैं सभी भक्त लोग। और अब हम अगले पड़ाव पर चलेंगे, अभी आने और गाँव है, आने और से अगला आएगा पूछरी का लोटा। और ये देख सकते हैं आप परिक्रमा में किस तरह की यह सेवा भाव है, आप देख सकते हैं प्रसादी लोग बाँट रहे हैं और ये अपने आप में अद्भुत सेवा, क्योंकि आज जो आनंद है कि किस तरह से गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ इस समय गोवर्धन में है और परिक्रमा आप देख सकते हैं लगातार चल रही है। और ये पड़ाव में आप देख सकते हैं ये जो आप सरोवर देख रहे हैं इसको कहते हैं संकर्षण कुंड, आप जो दर्शन कर रहे हैं संकर्षण कुंड के दर्शन कर रहे हैं, जो कि आने और से थोड़ा आगे निकलते ही ये पड़ता है संकर्षण कुंड। और ये देखिए आप श्री गिरिराज पर्वत के हम दर्शन कर रहे हैं और पर्वत के साथ साथ हम चल रहे हैं और ये दिव्य आनंद आज हम ले रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, किस तरह से आज श्री गोवर्धन की हम परिक्रमा आपको करा रहे हैं। और गोवर्धन परिक्रमा दानघाटी के हमने आपको दर्शन कराए और इसकी पूजा भी हम करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा भी हम, गोवर्धन पूजा भी करेंगे, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन इस समय आप परिक्रमा कीजिए मानसिक रूप से। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम बिल्कुल श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ से 200 मीटर है और हम पहुँच चुके हैं पूछरी का लोटा। और पूछरी हमारे बड़ी परिक्रमा मार्ग का दूसरा पड़ाव है और हमको आपको दर्शन भी हम कराएंगे पूछरी के लोटा के। आइए पूछरी के लोटा की हम आनंद लेते हैं। जय हो गिरिराज महाराज, तुम्हारी सदाएँ जय हो। और इस समय जो हम दर्शन कर रहे हैं और आपको करा रहे हैं ये देख सकते हैं आप, ये पूछरी का लोटा जो कि रास्ते में पड़ता है, आप उसके दर्शन कीजिए। आज हम आपको दर्शन कराते हैं इस पूछरी के लोटा का। और कहते हैं ये काफ़ी प्राचीन स्थान है हमारे इस परिक्रमा मार्ग का। जय हो। और जैसा कि हमने और आपने जो दर्शन किए हैं पूछरी के लोटा के दर्शन किए हैं, और एक मंदिर यहाँ पर भी है आप देख सकते हैं। जय हो मेरे राधा। और इन दर्शनों के बाद अब हम आपको अगले पड़ाव पर लेके चलते हैं इस परिक्रमा मार्ग के। और पूछरी के लोटा के बाद अब हमारी परिक्रमा मार्ग में जो अगला पड़ाव है वो आएगा जतिपुरा, और जतिपुरा के बाद ये बड़ी जो चार कोस की परिक्रमा है वो संपूर्ण हो जाएगी।
और आप आनंद ले रहे हैं इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर श्री धाम गोवर्धन की परिक्रमा, दर्शन और पूजा, ये तीनों दर्शन आज हम आपको कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। 2 किलोमीटर यहाँ से जतिपुरा है और गोवर्धन है 5 किलोमीटर। हम अपने परिक्रमा के इस पड़ाव में हम जतिपुरा से 2 किलोमीटर पहले हैं और गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा 4 कोस की होने में 5 किलोमीटर पहले हैं। और ये आप देख सकते हैं आस्था हमारे ब्रज के साक्षात कृष्ण स्वरूप श्री गिरिराज के प्रति भक्तों में किस प्रकार की आस्था है। और ये कहा जाता है कि इस गिरिराज पर्वत की जो परिक्रमा है वो 7 कोस की है, जिसे हम 21 किलोमीटर में नापते हैं। और ये अद्भुत पर्वत नहीं, शास्त्रानुसार ये साक्षात कृष्णा है हमारा और उसकी आज हम परिक्रमा कर रहे हैं, साक्षात कृष्ण की परिक्रमा कर रहे हैं। और मेरे साथ मैं ही नहीं, लाखों भक्त इस समय गोवर्धन में ये परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं चैन टूटी नहीं है, लगातार परिक्रमा लग रही है, ये देखिए। और ये आप देख सकते हैं अंतिम पड़ाव इस 4 कोस की परिक्रमा में हम श्री जतिपुरा में आ चुके हैं और आप जतिपुरा के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर किस तरह से मुखारविंद है जतिपुरा में, उसका यहाँ पर दर्शन होता है और हम आपको मुखारविंद के भी दर्शन कराएंगे। और हम आपको लेके चल रहे हैं कुंज गलियों से मुखारविंद के आपको दर्शन कराएंगे, श्री गिरिराज मुखारविंद के, जय हो। और ये देखिए आप जतिपुरा के ये प्राचीन और ब्रजवासियों के ये जो घर हैं ये अपने आप में अद्भुत हैं। ये देखिए आप, जय हो मेरे गिरिराज महाराज की जय। और आप देख रहे हैं मेरे सामने श्री नाथ जी का मंदिर और यहाँ पर किस तरह की भीड़ है इस परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप मेरे सामने श्री नाथ जी का मंदिर है इस पहाड़ी पर, जैसा कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था। और इस समय हम चल रहे हैं मुखारविंद और हम और आप जो अब दर्शन करेंगे श्री मुखारविंद के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और श्री मुखारविंद जी के दर्शन। बोलो गिरिराज महाराज की जय। और अब हम देख सकते हैं आप मेरे सामने मुखारविंद का ये जो मंदिर है और ये अपने आप में अद्भुत। आज श्री गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर हम आपको मुखारविंद के दर्शन कराएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। मुखारविंद के आप दर्शन कर रहे हैं, दिव्य दर्शन। और चलते हैं आगे, आपको और दर्शन कराते हैं परिक्रमा मार्ग में। और आप जो दर्शन कर रहे हैं ये मुखारविंद के दर्शन कर रहे हैं परिक्रमा मार्ग के जतिपुरा के इस पड़ाव में। और आप देख रहे हैं हमारी 4 कोस की परिक्रमा लगभग संपूर्ण होने वाली है और हम चलेंगे अब राधा कुंड वाली परिक्रमा में आज इस दिव्य अवसर पर, श्री गोवर्धन पूजा के अवसर पर। और परिक्रमा के आप देख सकते हैं हम श्री राधा कुंड की परिक्रमा स्टार्ट हो गई हमारी और इस पड़ाव में आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है। और ये भीड़ के बीच में हम आपको राधा कुंड की परिक्रमा शुरू कर दी हमने। और इसमें जो पड़ाव पड़ेंगे आपका राधा कुंड, श्याम कुंड और कुसुम सरोवर और मानसी गंगा। आइए चलते हैं। जय हो गिरिराज महाराज। और देख सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक है इस समय। हमने जैसे ही राधा कुंड की परिक्रमा शुरू की है और काफ़ी भीड़ है, भीड़ का कारण है ये भंडारा, इस भंडारे की वजह से भीड़ है यहाँ पे। देख सकते हैं कि राधा कुंड 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर 6 किलोमीटर और वृंदावन 26 किलोमीटर। तो हम पहले राधा कुंड चलेंगे, फिर हमारा दूसरा पड़ाव इस छोटी परिक्रमा में कुसुम सरोवर होगा। आइए चलते हैं राधा कुंड। बोलो राधा रानी की जय। और परिक्रमा मार्ग में जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की वहाँ से लेके यहाँ तक लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। आज गोवर्धन में किस तरह से ये गोवर्धन पूजा की जो भीड़ है अपने आप में अद्भुत है। और ये नज़ारा
गवाह है उस द्वापर काल की उस लीला का, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों और भक्तों के लिए इस गिरिराज पर्वत को उठाया इंद्र के कोप से बचाने के लिए। और ये अद्भुत यात्रा हमारी ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप दर्शन कर रहे हैं। आज गोवर्धन परिक्रमा, ये कितना प्राचीन मंदिर है आप देखिए। इस परिक्रमा मार्ग में उद्धव कुंड हम पहुंच चुके हैं। उद्धव कुंड और मेरे सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं ये उद्धव बिहारी जी के दर्शन हैं। और उद्धव कुंड पर हम इस समय चल रहे हैं और उद्धव कुंड के जस्ट बाद हम पहुंचेंगे आपका राधा कुंड। राधा कुंड के पास में होगा श्याम कुंड, श्याम कुंड के पास कुसुम सरोवर और कुसुम सरोवर के बाद मानसी गंगा। आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं श्री राधा कुंड में। और बिल्कुल राधा कुंड आ चुका है और मैं आपको जो दर्शन करा रहा हूँ ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं श्री धाम राधा कुंड में, जहाँ पर कि राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों सरोवर वहाँ पर विद्यमान हैं। और आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं राधा कुंड के। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक मंदिर है और इस पर राधा कुंड के प्रवेश करते ही यहाँ पर ये मंदिर है और काफ़ी दिव्य मंदिर है। और ये मंदिर किस चीज़ का है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मंदिर चैतन्य महाप्रभु जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है और गौड़िया मठ भी है यहाँ पे। और राधा कुंड में किस तरह के दर्शन आपको मिलते हैं देखो, राधा कुंड के दर्शन मिलेंगे, श्याम कुंड के दर्शन मिलेंगे, ललिता कुंड के दर्शन मिलेंगे। ये तीन दर्शन यहाँ पर प्रमुख है। और गौड़िया मठ है, चैतन्य महाप्रभु जी का मंदिर है और इस तरह से यहाँ पर राधा कुंड में ये सारे दर्शन हैं। और चलिए उन्हीं दर्शनों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बोलो राधा कुंड की जय। और परिक्रमा में हम राधा कुंड में चल रहे हैं और राधा कुंड का आनंद अपने आप में, जय हो। तो परिक्रमा के इस पड़ाव में आप देख सकते हैं मेरे सामने ये श्री राधा कुंड है और राधा कुंड में किस तरह से भक्तों का यहाँ पर स्नान है आज के इस दिव्य अवसर पर, जबकि हम और समस्त पूरा भारतवर्ष इस समय गोवर्धन पूजा मना रहा है। तो उस गिरिराज की ही परिक्रमा में ये राधा कुंड है और ये मंदिर है और उसके बगल में श्याम कुंड है। आइए आपको श्याम कुंड के भी दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस राधा कुंड और श्याम कुंड की जो महिमा है वो अनेकों अनेक महिमा है, दिव्य महिमा है। और ये गिरिराज महाराज के भी आप दर्शन कर रहे हैं और ये हमारा इधर श्याम कुंड है। ये देखिए आप ये किस तरह से एक ब्रज का इतना सुंदर स्वरूप जो हम यहाँ पर दर्शन करते हैं कि हमारे राधा माधव के जो दर्शन हैं वो कैसे सरोवर के रूप में यहाँ पर दर्शन हैं। और ये देखिए भाव किस तरह से जल में खड़े होकर इन भक्तों का भाव इस कृष्ण स्वरूप सरोवर में और इधर राधा स्वरूप सरोवर में। आइए चलते हैं और आपको यात्रा के अगले पड़ाव में, और यहाँ पर हमारे गिरिराज जी के भी दर्शन हैं, आइए वो भी करा देते हैं आपको। और ये गिरिराज जी हैं हमारे, जय हो मेरे गिरिराज महाराज की जय हो। और ये गिरिराज जी के दर्शन हैं इन दोनों सरोवरों के बिल्कुल बीच में। आइए और अब हम आपको लेके चलते हैं परिक्रमा के अगले पड़ाव में। और राधा कुंड में ये देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। और परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु इस समय श्री धाम गोवर्धन में आए, आज गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आप देख सकते हैं खचाखच भरा हुआ है पूरा राधा कुंड। तैयार हो जाइए हम और आप जो दर्शन करेंगे यहाँ पर कुसुम सरोवर। कुसुम एक फूल का शब्द का अर्थ है, कुसुम एक पुष्प का नाम है, उस पुष्प के नाम पर किस तरह से ये सरोवर है जिसे हम कुसुम सरोवर बोलते हैं। आइए हम और आप मिल के दर्शन करते हैं इस दिव्य कुसुम सरोवर के। और कुसुम सरोवर के बाद हम चलेंगे मानसी गंगा और मानसी गंगा पर क्या माहौल है वहाँ का दर्शन करा के और वहाँ हम पूजा करेंगे। और पूजा करने के पश्चात हम इस यात्रा को अपने को आज की समाप्त करेंगे। हम सभी दर्शकों के लिए जो ये आनंद लेकर आए हैं, ये भाव लेकर आए हैं श्री धाम वृंदावन के गोवर्धन में किस तरह से आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है, ये देखिए आप ये दिव्य और मनोहर ये आप देख रहे हैं कुसुम सरोवर, इसकी छटा इसका आनंद। और हम इस समय आपको जो दर्शन करा रहे हैं इस कुसुम सरोवर के दर्शन करा रहे हैं, जो सरोवर अपने आप में ब्रज का सबसे अद्भुत सरोवर भी से कहा जाता है। और यहाँ की जो लीला है इसके पीछे का जो भाव है वो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। और हम और आप जो दर्शन कर रहे हैं इस परिक्रमा के पड़ाव में हम इस समय, ये मेरे सामने कुसुम सरोवर है, ये दिव्य कुसुम सरोवर और उसके एक घाट पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये देखिए परिक्रमा मार्ग जहाँ पर कि ये परिक्रमा चल रही है। तो कैसा आनंद आ रहा आज आपको भैया। और अब हम यहाँ से
सीधा चल रहे हैं मानसी गंगा, और मानसी गंगा पर किस तरह का वहाँ पर माहौल है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। और लेकिन इस समय हम कुसुम सरोवर के जो दर्शन कर रहे हैं इसका आनंद लीजिए, और इसके बाद हम अपने इस यात्रा के अंतिम पड़ाव मानसी गंगा पर चल रहे हैं, आइए। और ये आप देख रहे हैं दानघाटी 2 किलोमीटर और हमारा पड़ाव मानसी गंगा 1.5 किलोमीटर। आइए चलते हैं मानसी गंगा, चलते हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा रह गई है भैया। और आज को जो आनंद है बाकी तो कह में ही कहा, लेकिन इस समय हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और जगह जगह हमने देखा इस परिक्रमा में कैसे अन्नकूट की सेवा हो रही है, कड़ी चावल बाजरा ये सब खिलाया जा रहा है भक्त लोगों को, और कैसे दंडवती भी चल रही थी इस परिक्रमा में। जो हमारे अनुभव थे वो बड़े अद्भुत थे, किस तरह से ये जो हजूम आप देख रहे हैं ये लाइन टूटी ही नहीं है, और ये सारा आनंद आपने कुसुम सरोवर से देखा, आपने किस तरह के दर्शन थे राधा कुंड पर देखा, आपने किस तरह के लोग स्नान कर रहे थे, ये समस्त भावों का समावेश आज के हमारे इस वीडियो में है जिसे हम आज आपके लिए लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा पर। परिक्रमा में अब हम चल रहे हैं मानसी गंगा पर, किस तरह का ये आनंद है और आपको दर्शन कराते हैं, ये पूजा सामग्री है और मानसी गंगा के हम दर्शन करेंगे, आइए। बोलो मानसी गंगा की जय। ये आप जो दर्शन कर रहे हैं ये देखिए आप, गिरिराज धरने हम देवी शरण, गिरिराज और इस समय ये देख सकते हैं आप किस तरह की यहाँ पर भीड़ है, ये देखिए। और मानसी गंगा पर आप ये जो दर्शन कर रहे हैं ये दिव्य दर्शन आप, जय हो मेरे गिरिराज महाराज की। और हम परिक्रमा कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ में परिक्रमा कीजिए, और ये आनंद आप देखिए मानसी गंगा का। ओ मेरे गणराज महाराज, बोलो गिरिराज महाराज की जय। और दर्शन करने के पश्चात स्नान किस तरह का चल रहा है ये देखिए आप भाव, ये हम गिरिराज जी में आपको भाव दिखा रहे हैं, ये देखिए। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, आइए आपको अब मानसी गंगा पर किस तरह का स्नान चल रहा है उसके दर्शन आपको करा दें। जय हो, और यहाँ चल रहा है मानसी गंगा का स्नान, ये देखिए आप देखिए। आज की जय, तो जैसा कि हमने मानसी गंगा की जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं इसमें स्नान करने के बाद अब हम पूजा करेंगे गोवर्धन पर्वत की। और देखिए ये बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण पल है आज के लिए कि हम कैसे गिरिराज पर्वत के ऊपर जाके, गिरिराज पर्वत के ऊपर चढ़ के हम आपको उस दिव्य पूजा के दर्शन कराएंगे जैसे हम गोवर्धन पूजा कहते हैं। आइए चलते हैं गोवर्धन पूजा की तरफ। बोले गिरिराज महाराज की जय। आप देख रहे हैं कि हम इस समय श्री गिरिराज पर्वत की पूजा करने जा रहे हैं आज के इस शुभ अवसर पर। सूर्य ग्रहण के कारण एक दिन के लिए डिले हुआ, लेकिन अब हम जो दर्शन कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं हमारे गिरिराज जी को। जय हो गिरिराज महाराज। और जैसा कि आप देख सकते हैं श्री गिरिराज जी जो पर्वत है वो हमारे कृष्ण स्वरूप पर्वत है, जैसे कि हम सब ब्रजवासी बड़े भाव से यहाँ पर ये सेवा कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से इस गिरिराज पर्वत की ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरे भारत में इस समय गोवर्धन पूजा का जो आनंद है वो हम सब मना रहे हैं और हम भी पूजा करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस भाव से यहाँ पर भक्त लोग यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। गिरिराज धरने प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु
तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण गिरिराज धरण तेरी आरती गाऊं श्री गिरिराज धरण तेरी आरती गाऊं बोल गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज महाराज जय हो जो आनंद है वो अद्भुत आनंद और हमने श्री गिरिराज जी की पूजा के बाद आज का हमारा ये भाव कैसा लगा आप हमें कमेंट करके शेयर करके और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो हमारी आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है और गिरिराज पर्वत से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।